आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 10। ईंधन, बैंगन, कांटा, बांका, झोंका, खूंटा, पहुंचा, टांका, महंगा, पतंगा, बखेड़ा, भरोसा, सहारा, ठिकाना, रोशनी, सफाई, ज्यादा, इरादा, आंधी, बांधी, उठाया, बिगाड़ा, चुभोया, बांधा, पकाया, गीला ईंधन, औदा बैंगन, धीमी रोशनी, आंधी का झोंका, सफाई का इरादा, चराग की रोशनी, बैंगन किसने पकाया, कांटा क्यों चुभोया, खुदा पर भरोसा करो, गाय खूंटे से बांध, ज्यादा बखेड़ा ना करो, वो अपने ठिकाने पर जा पहुंचा, बदन और मकान की सफाई जरूरी बात है, आंधी के झोंके से ईंधन में पतंगा जा पड़ा। सबक नंबर 11। अंगरखा, अंगारा, चरवाहा, खरबूजा, बंजारा, अंदाजा, अंदेशा, दरवाजा, परदाजा, शर्मिंदा, चमगादड़, तंबाकू, चांदनी, बीमारी, पटवारी, पैमाइश, परेशान, मेहरबान, पहलवान, कलमदान, बादशाह, बीनाई, होशियार, पायदार, जायदाद, मैला अंगरखा, दहकता अंगारा, मेहरबान बादशाह, बीमारी का अंदेशा, होशियार पटवारी, पायदार कलमदान, दरवाज़ा बंद करो, पहलवान शर्मिंदा हुआ, चमगादड़ रात को उड़ती है, अंदेशा मत करो, परेशान क्यों हो, तंबाकू खाने और पीने से बीनाई कम होती है। सबक नंबर 12। इम्तिहान, इंतज़ाम, इख्तियार, इश्तिहार, इर्तिबार, इंतज़ार, मुआमला, मुकाबला, मुतालआ, मुआफिकत, मुलाकात, एहतियात, पंसारी, चपरासी, हलवाई, मुर्गाबी, सौदागर, भटियारा, शेरिनी, तरकारी, आसान इम्तिहान, अच्छा इंतज़ाम, गहरी मुलाकात,
पूरा इख्तियार, थोड़ा एतबार, सच्चा मुआमला, चपरासी का मुकाबला, सौदागर की मुलाकात, नीलाम का इश्तिहार, पंसारी की दुकान, इम्तिहान करीब है, एहतियात से काम करो, पढ़ने का इंतज़ाम करो, पढ़ने से पहले मुतालआ कर लिया करो, इश्तिहार में कीमत लिखी है, उनकी मुलाकात का इंतज़ार करो। हलवाई ने शीरीनी बनाई, तुमको इस मामले का इख्तियार है। सबक नंबर 13, उम्मीदवार, पैदावार, ज़मींदार, नंबरदार, काश्तकार, खैरख्वाह, कारखाना, शामियाना, दौलतमंद, चार जामा, रोशनाई, तंदुरुस्ती, टिमटिमाना, जगमगाना, मुस्कुराना, खटखटाना, पुराना उम्मीदवार, दौलतमंद ज़मींदार, मेहनती काश्तकार, गाढ़ी रोशनाई, चरागों का टिमटिमाना, सितारों का जगमगाना, पैदावार अच्छी हुई, नंबरदार हाजिर है, कारखाना जारी है, रोशनाई गाढ़ी है, शामियाना ताना गया, तंदुरुस्ती अच्छी है, साफ हवा में वर्जिश करने से तंदुरुस्ती कायम रहती है, नेक ज़मींदार काश्तकार का खैरख्वाह होता है, घोड़े पर नया चार जामा कसा गया। सो आज के लिए बस इतना ही, आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई लफ्ज़ आपकी समझ में नहीं आता है तो आप देखेंगे वो किन हरूफ से मिलकर बना है, जैसे कि ये ज़मींदार, इसमें ज़े, मीम या नून, दाल, अलिफ और रे है, ज़मींदार। और हरूफ को मिलाकर कैसे पढ़ते हैं, आवाज़ कैसी निकलती है, ये सब हम कायदे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने कायदे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले आप उन वीडियोस को देखिए। अभी हम सबक ज़्यादा ज़्यादा लेकर चलेंगे क्योंकि हमें उर्दू ज़बान की पाँचों किताबें जल्दी पूरी करनी है ताकि आप जल्द से जल्द बढ़िया तरीके से उर्दू पढ़ना सीख जाएँ। लेकिन अब आपको भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और जितने सबक भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको अच्छे तरीके से बार बार वीडियोस देख करके याद करने हैं।